और कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया का रायपुर का दौरा है। राहुल गांधी के रायपुर दौरे पर बोले पीएल पुनिया, राहुल गांधी का भी छत्तीसगढ़ आने का कोई प्लान नहीं, मेरा रायपुर आना समय समय पर जरूरी है। ये भी पीएल पुनिया कहते हैं, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएल पुनिया ने बीजेपी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, सही को गलत बताने की कोशिश करती है बीजेपी, ये पीएल पुनिया कह रहे हैं। सावरकर के मुद्दे पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सावरकर ने माफी मांगी और 60 रुपए वजीफा पाया, क्या ये वजीफा भी गांधी जी के कहने पर उन्होंने स्वीकार किया था, तो ये सवाल भी उठाया सवाल के जवाब में। पीएल पुनिया जब पहुंचे किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, भव्य तरीके से, और अभिवादन स्वीकार पीएल पुनिया ने वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का किया, क्या कुछ कहा है वहां पहुंचते ही सुनवाते हैं आपको। सही भी है कि सावरकर ने झूठ माफी मांगी और माफी मांगने के अलावा 60 रुपया महीना वजीफा के रूप में भी पाए, ये भी उससे पूरा रिकॉर्ड है। तो क्या वजीफा भी गांधी जी के कहने से उन्होंने स्वीकार किया था, लिया था, ये सब बात है। तो मेरा आना जरूरी होता ही है बीच समय समय पर कार्यकारिणी वो बात करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे और उसी के विचार विमर्श करके तय किया जाए, और कोई खास बात नहीं। ठीक, थैंक यू। राहुल जी को बुलाने देंगे छत्तीसगढ़? अभी कोई प्लान नहीं है। आपको लगता है क्या?